प्रदेश में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। उधर गुरुग्राम में 5 नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 2 और पंचकुला में 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 13 जिलों में कोई नया मामला नहीं मिला है। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,770 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,809 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.68% है। सिरसा डिपो के जीएम पर कोर्ट की गाज गिरी है। दरअसल रिटायर्ड कर्मचारी की बकाया रकम का भुगतान न करने पर कोर्ट ने जीएम की सरकारी जीप को अटैच कर लिया है। इससे पहले ऐसे ही एक मामले में जीएम की सरकारी कार भी कोर्ट की ओर से जब्त की जा चुकी थी। सिरसा डिपो जीएम खुशीराम कौशल के पास सिरसा के अलावा फतेहाबाद हिसार डिपो का भी अतिरिक्त चार्ज है। उन्होंने कहा कि वहां की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर जीएम का काम चल रहा है, वरना उन्हें निजी वाहन का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ता है। उधर इंद्रिय अनाज मंडी में बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रखती है। आपको बता दें कि आलम यह रहा कि मंडी में कई दिनों से पीआर धान की खरीद न होने के चलते अनाज मंडी में खुले में पड़ी हुई धान भीगती रही, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है, जिसके चलते किसानों में रोष है। और किसानों का यह कहना है कि किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती, तो किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं बाकी नेता ने कहा कि सरकार द्वारा 25 सितंबर तक पीआर धान की खरीद शुरू नहीं करती तो बाकी बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर हो गए, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। आपको बता दें चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक हुई और मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट बैठक में लिए फैसले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस विषय बताया कि करनाल मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी के गठन को मंजूरी दे दी गई है। रिटायर्ड जस्टिस एसएन अग्रवाल को कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि बैठक में बागवानी के फसल बीमा करने को लेकर मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब के नए सीएम चरणजीत चन्नी ने उनसे मुलाकात की है। सीएम मनोहर लाल वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर अपने आवास से साइकिल चलाकर सिविल सचिवालय पहुंचे। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई विधायक उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कई वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा निर्मित ई स्कूटर और ई कारों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री ई स्कूटर के जरिए अपने आवास वापस लौटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ई वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा ई वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लोगों को ई वाहन अपनाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश में ऑक्सीजन लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं प्रदूषण कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए ई बसों और ई ऑटो को चलाने पर बल दिया जा रहा है। गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है। विज ने कहा कि सुरजेवाला हमेशा देश के बारे में बुरा क्यों सोचते हैं। उन्होंने कहा कि ये देश आज तक ना किसी से मिटा है और ना आगे मिटेगा। दरअसल सुरजेवाला ने बीजेपी को देश के भविष्य की सुपारी लेने वाली पार्टी बताया, जिसमें जवाब में विज ने कहा कि ये देश पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। वहीं बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने को लेकर किसानों के साथ दोबारा बातचीत पर विज ने कहा कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत करवा दिया गया है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होंगे उनकी पालना की जाएगी। महंत बाबा महेशनाथ महाराज अपने शिष्यों के साथ रानिया रोड स्थित श्री तारकेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने एमडीएलआर कार्यालय में पहुंचकर श्री तारा बाबा कोटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि गो सेवा गोपाल कांडा और गोविंद कांडा को विरासत में मिली है। हरियाणा की पहली गौशाला रेवाड़ी में खुली थी और दूसरी गौशाला सिरसा के गांव कागदाना में खुली थी, जिसका उद्घाटन एडवोकेट स्वर्गीय मुरलीधर कांडा ने किया था। उन्होंने कहा कि अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए गोपाल कांडा और गोविंद कांडा गो सेवा और जनसेवा में लगे हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कांडा बंधुओं की ओर से की गई लंगर सेवा की देश भर में मिसाल दी जाती है। एक दिन में 25 से 30 हजार भोजन के पैकेट लोगों तक पहुंचाना बड़ी बात है। हाल ही में राधा स्वामी सत्संग भवन तेजली ने 24 घंटे
टीकाकरण के लिए शिविर चलाया जिसमें 30,000 लोगों को टीके लगाए गए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग रोजाना डोज की उपलब्धता के हिसाब से 40 से 50 सेंटर बना रहा है। वहीं अब तक जिले में 9,64,982 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। उधर डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीन है, इसलिए लोग किसी भी तरह की अफवाह में ना आए। इस्माइलाबाद अनाज मंडी में बुधवार को किसान बचाओ देश बचाओ किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भारी बरसात के बावजूद भी किसान महापंचायत में महिला और पुरुष भारी संख्या में मौजूद रहे। उधर किसान महापंचायत को लेकर किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला। किसान नेता गुरनाम सिंह जडोनी समेत किसान मोर्चा के जुड़े किसान नेताओं ने महापंचायत में शिरकत कर 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर किसानों से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में केवल किसान ही नहीं बल्कि मजदूरों ने भी हिस्सा लिया है। महापंचायत में मौजूद किसानों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई थी। किसान आंदोलन को बुधवार को 300 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर टिकरी बॉर्डर पर किसान मोर्चा की ओर से कबड्डी लीग का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आपको बता दें प्रतियोगिता बुधवार और गुरुवार बहादुर रोड के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में चलेगी। वहीं 3 दिन ये प्रतियोगिता सिंघू बॉर्डर पर चलेगी और 26 सितंबर को जब किसान आंदोलन को 10 महीने दिल्ली की सीमाओं पर पूरे होने जा रही है तब इसका समापन होगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर एक टीम को 1,00,000 रुपए के पुरस्कार के अलावा पहले स्थान पर रहने वाली टीम को 5,00,000, दूसरा स्थान पर 3,00,000, तीसरे स्थान पर 2,00,000 और चौथे स्थान पर 1,50,000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। उधर सोनीपत की नई अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। जहां सोनीपत की अनाज मंडी में फसल रखने की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों का तकरीबन 150 क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गया। जहां सुबह किसानों की फसल की कई ढेरियों की खरीद हो चुकी थी, भीगने के बाद खरीदारों ने खरीदे हुए धान को लेने से मना कर दिया, जिसको लेकर किसानों में रोष व्यक्त किया है। और इस बीच आपको बता दें किसान मायूस होकर अपने टपकते हुए धान को ट्राली में डालकर घर वापस लेने को मजबूर नजर आए। उधर जींद में आपको बता दें कि उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती 25 सितंबर को सम्मान दिवस समारोह के रूप में मनाई जाएगी। इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जींद की नई अनाज मंडी में 6 एकड़ में टेंट लगाया गया और 4 से ज्यादा मंच बनाए गए। इनेलो इस रैली में तीसरा फ्रंट देश स्तर पर बनाने का दावा कर रही है। इसके अलावा जिन किसानों ने आंदोलन में जान गंवाई है उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत और ओलंपिक और पैराओलंपिक में मेडल जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को भी बुलाया गया है। गोहाना में बुधवार सुबह से हो रही तेज बारिश से एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी गई है। बारिश से शहर की सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई, इसके चलते लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर खानपुर में स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल के पास भी 2 से 3 फीट तक पानी भरने से मेडिकल में आने वाले मरीजों से लेकर मेडिकल स्टाफ को पानी से गुजर कर जाना पड़ा। मरीजों ने बताया कि मेडिकल परिसर में पानी निकासी की उचित कोई व्यवस्था नहीं है। मेडिकल के डायरेक्टर राजीव महेंद्रू ने बताया कि बजट मिलने पर मेडिकल परिसर में सड़कों की मरम्मत का काम जल्द शुरू करवाया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी से एस्टीमेट बनाकर दे दिया गया है जो करीब 16 करोड़ रुपए का है। मुख्यालय से बजट मिलने पर कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उधर फतेहाबाद में सुबह से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। इस भारी बारिश के कारण जहां शहर की सड़कों पर जलभराव हुआ वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं सुबह से ही बारिश शुरू हो जाने के कारण ऑफिस जाने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उधर फतेहाबाद के जवाहर चौक और धर्मशाला रोड की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। वहीं लोगों ने बताया कि हर साल नगर परिषद जलभराव को लेकर लाखों रुपए खर्च करती है लेकिन बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या शुरू हो जाती है। जींद सब्जी मंडी में बुधवार सुबह से हो रही बारिश से सब्जियों के दाम घटकर आधा हो गए हैं, जिससे खरीदारों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा। दरअसल बारिश से मंडी में ग्राहक कम हो गए हैं।
जिससे सब्जी खराब होने के डर से दुकानदारों, माशाखोरों और किसानों को अपनी फसल आधे दाम पर बेचनी पड़ी। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं शमशेर कश्यप ने बताया कि सुबह से हुई बारिश के कारण सब्जियों के रेट घटकर आधा हो गए। उन्होंने बताया कि कल जो मूली 40 रुपए प्रति किलो बिकी थी उसे 20 रुपए प्रति किलो, भिंडी 30 रुपए किलो की बजाय 15 रुपए प्रति किलो और टमाटर 30 रुपए की बजाय 10 रुपए प्रति किलो बेचना पड़ रहा है। बारिश के पानी में डूबने से एक साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें, बुधवार को गुस्साई कॉलोनी वासियों ने भादुगढ़ बराही मार्ग पर जाम लगा दिया, लेकिन कुछ देर बाद कॉलोनी वासियों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। दरअसल बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से इंदिरा कॉलोनी के लोग कई दिन से परेशान हैं। पिछले हफ्ते हुई बरसात का पानी अब तक कॉलोनी की सभी गलियों में भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से जल निकासी के पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए। बताया जा रहा है कि खेलते समय एक साल का बच्चा घर से बाहर निकला था, इस दौरान घर के सामने भरे हुए पानी में डूबने से इस बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोनपत की अनाज मंडी में 1509 किस्म की तकरीबन 11,000 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। जहां मंडी में खरीद सुचारू रूप से चल रही है, वहीं पिछले साल की तुलना में इस बार 700 से 800 ज्यादा भाव में ये धान खरीदा जा रहा है। उधर मंडी प्रशासन ने इस बीच ये दावा किया कि इस बार बेहतरीन कदम ये भी उठाया गया है कि गेट पास के लिए जहां लंबी लाइनें लगती थी, वहां गेट पास के लिए किसानों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि अगर मंडी में किसान ज्यादा संख्या में धान की आवक लेकर पहुंचते हैं तो मंडी प्रशासन थर्मल प्रिंटर के जरिए तुरंत प्रभाव से गेट पास जारी करेगा और किसानों को लंबी लाइन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मंडी प्रशासन ने इस बार मंडी में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं और सीसीटीवी कैमरे के जरिए व्यापारी और किसानों की हर एक्टिविटी पर प्रशासन ध्यान रख सकेगा। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 25 सितंबर से शुरू होगी, लेकिन किसान अपनी फसल कटवाकर अनाज मंडी में पहुंचने लगे हैं। ऊपर से हरियाणा में खराब मौसम और बारिश का अनुमान किसानों की चिंता बढ़ा रहा है, जिसके बाद अब सरकार से फसल की खरीद जल्द शुरू होने की मांग भी उठने लगी है, जिसको लेकर मंगलवार को किसान यूनियन के नेता किसानों के साथ अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि हम अपनी तीन मांग को लेकर डीसी महोदय से मिले हैं, किसानों की फसल पक्का तैयार है, सरकार को जल्द से जल्द खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। कोहाना के खानपुर में स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की छात्राओं का हड़ताल का दूसरा दिन है और ऐसे में दूसरे दिन भारी बारिश के बावजूद एमबीबीएस की छात्राओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। उधर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बारिश में भी एमबीबीएस छात्राएं अड़ी हुई हैं। एमबीबीएस छात्राओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रोफेसर की बर्खास्त करने को लेकर बातचीत करेगा। अगर प्रशासन ने छात्राओं की मांग को पूरा नहीं किया तो उनका यह प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। गौरतलब है कि यहां 16 सितंबर को माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर ने क्लास के दौरान छात्राओं को गाली गलौज की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोहाना रोडवेज कर्मचारियों ने हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले सोनीपत रोडवेज महाप्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोहाना बस स्टैंड पर रोडवेज के कर्मचारियों ने सोनीपत के जीएम पर उनकी मांगों को लेकर अनदेखी का आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें, रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सोनीपत के जीएम को 2 महीने पहले 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर बेरुखी अपनाते हुए उनकी कोई मांग पूरी नहीं की गई, जिसके चलते रोडवेज के कर्मचारियों ने जीएम के खिलाफ एक दिन का सांकेतिक धरना दिया है। उधर गुरुग्राम समेत 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाले वाहनों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। दरअसल वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने एनसीआर में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके चलते अब गुरुग्राम पुलिस विशेष अभियान चलाने जा रही है। डीसीपी ट्रैफिक रविंदर तोमर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अब गुरुग्राम पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, जिसके लिए गुरुग्राम में तैनात ट्रैफिक पुलिस के 100 JTO को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उधर हिसार में टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने मंगलवार को शहर के साउथ बाईपास पर पीला पंजा चलाया। जिला टाउन कंट्री प्लानिंग अधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ साउथ बाईपास पर मिनी पंजाब पोर्टल के साथ 12 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करा दिया है।
बताया जा रहा है कि इस बड़ी कार्रवाई में बड़ा नुकसान हुआ है और होटल मिनी पंजाब के मालिक का ये नुकसान हुआ है। विभाग का इस मामले में ये कहने कि जिस समय होटल की नींव रखी जा रही थी उसी समय संचालकों को टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने नोटिस देकर निर्माण रोकने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण का कार्य किया गया। विभाग द्वारा होटल मिनी पंजाब के मालिक को अब तक 4 नोटिस भेजे जा चुके हैं। मंगलवार को 5 साल बाद इस मामले में पीला पंजा चलाया गया। इधर सोनीपत में त्योहारी सीजन को लेकर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश भर में युद्ध का यानी कि शुद्ध का युद्ध कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके तहत सोनीपत में सब्जी चौक कच्चे क्वार्टर में स्थित पनीर की दुकानों पर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद कुछ दुकानदार अपनी दुकानों पर ताला लगाकर भाग गए। वहीं मौके पर एक दुकान से विभाग के अधिकारियों ने पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे। यमुनानगर में लंबी इस बीच लक्ष्मी मेडिकोज पर सीएम फ्लाइंग ने कंट्रोलर की टीम के साथ छापेमारी की। आपको बता दें छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर में 2 मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। इस दौरान मरीजों का इलाज कर रहे नरेश नामक व्यक्ति से जब टीम ने उनका लाइसेंस मांगा तो कोई दस्तावेज नहीं दिखा सकी। जांच में यह सामने आया कि क्लिनिक चला रहा नरेश कुमार 12वीं पास है, जो डॉक्टर विपिन दत्ता के लाइसेंस पर ये क्लिनिक चला रहा है। मेडिकल स्टोर से ड्रग कंट्रोलर विभाग की टीम ने दवाइयों के 6 सैंपल भी लिए हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। इस दौरान मेडिकल स्टोर पर मौजूद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कभी स्कूल ना जाने वाले या फिर किसी वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से 9 महीने का बेस कोर्स करवाया जा रहा है। उधर अम्बाला शिक्षा विभाग की तरफ से चिन्हित 752 बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें ऐसे बच्चों को 9 महीने का बिच कोर्स करवाया जाएगा। अम्बाला में 34 स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां बच्चों को वॉलंटियर्स की ओर से पढ़ाया जा रहा है। जेल में बंद 4 कैदियों पर चेटिंग के मामले में एक आरोपी से 5 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बता दें कि भोंसी के नया गांव स्थित जिला मॉडर्न जेल में चेटिंग के मामले में एक व्यक्ति से जेल के अंदर ही 5 लाख रुपए की मांग की गई और फिर उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसकी जानकारी पीड़ित ने मुलाकात के दौरान अपने परिजनों को दी, जिसके बाद लिखित शिकायत के आधार पर भोंसी थाना पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ 1.5 महीने तक जांच करने के मुकदमा करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें आरोपी के पास से 2 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। वहीं उप पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक शख्स को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम प्रदीप कुमार है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। अम्बाला के केसरी गांव में पत्नी को पति पर 500 रुपए चोरी का आरोप लगना इतना भारी पड़ा कि पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और बुरी तरह से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और वहीं दूसरी तरफ आरोपी पति खुद को निर्दोष बता रहा है और हत्या के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी पति ने कहा कि उसकी बेटी ने घर की स्लैब से 500 रुपए उठा लिए और उसकी पत्नी ने 500 रुपए चोरी होने का आरोप उस पर लगा दिया, जिसके बाद उसे गुस्सा आया और बीपी हाई होने के कारण तेज धार हथियार से हमला कर दिया। और आरोपी ने कहा कि उसे बिल्कुल भी इस बात का अफसोस नहीं है कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया है। आरोपी बार बार पुलिस के सामने कह रहा है कि वह अमृतधारी है और चोरी के आरोप को सहन नहीं कर सकता। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर महेंद्रगढ़ जिले के कनीना उपमंडल के गांव धनोंदा में पूर्व सरपंच विक्रम सिंह की गोली और तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई। दरअसल मंगलवार रात को घर के बाहर ही बदमाश इस वारदात को अंजाम दे गए। उधर 2-3 आरोपी गांव के ही बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और इसी के केस में कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। उधर पानीपत के सेक्टर 29 में एक किराना दुकानदार ने राशन के पैसे ना चुकाने पर एक युवक को पहले कमरे में कैद किया और उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद युवक को पैसे के लिए दिन भर कमरे में बैंड कर दिया। इस बीच युवक के परिजनों ने जल्द ही पैसे चुकाने की बात कहकर युवक की पिटाई नहीं करने की गुहार लगाई, लेकिन दुकानदार नहीं माना। काफी देर तक युवक को कमरे में बंद रखा। इसे परेशान होकर युवक ने बंद कमरे में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
उधर युवक की खुदकुशी के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों ने दुकानदार पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलवल से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। दरअसल भुरूकी गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से दो छात्रों की मौत हो गई और एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र भिड़ूकी गांव की मार्कशीट से अपनी पढ़ाई का सामान लेकर पैदल अपने गांव जा रहा था। इस दौरान भिड़ूकी गांव से एंच मार्ग पर सामने आ रहे ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दो छात्रों की मौके पर मौत हो गई और एक छात्र घायल हो गया। इसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उधर अंबाला के दुर्गानगर हाईवे पर कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस टक्कर में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि कार और ट्रक ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं। यह हादसा NH1 पर पेट्रोल पंप के सामने हुआ। आपको बता दें, कार चालक का इस मामले में ये कहना है कि वो करीब 30 की स्पीड से जा रहा था। इस दौरान पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई है। भादुरगढ़ में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक ट्रक हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गया और इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल परनाला गांव के पास से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तारें काफी नीचे से गुजर रही थी और इन्हीं तारों के नीचे से एक ट्रक गुजर रहा था। अचानक तार से टकराने के कारण पूरे ट्रक में करंट डोल पड़ा और उसकी वजह से यहां इसकी मौत हो गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली अधिकारी को मौके पर बुलाकर तारों का करंट बंद करवाया। इसके बाद मृतक ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए पंचकुला के बेटे मेजर अनुज राजपूत को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान आर्मी के बड़े ऑफिसर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद मेजर अनुज राजपूत के पिता ने नम आंखों से अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीद अनुज राजपूत के परिवार को हौसला दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच पंचकुला का एक लाल जिसे अपना जीवन देश के नाम कर दिया है।